एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए मुझे, घर का सभी सामान खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना बाद में तो बारिश शुरू हो जाएगी। इतना कहकर चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ चिड़िया देखती है एक तितली को कैद किया है। अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद चिड़िया उस जाल को हटा देती है। उसके बाद वो चिड़िया बिना राशन लिए ही अपने घर आ जाती है, क्योंकि के शाम ज्यादा हो चुकी थी। उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने बाजार चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, और उसी तेज बारिश में चिड़िया का घर भी टूट जाता है और चिड़िया का नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया अपने घर को आती है तो बहुत हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है। उसके बाद चिड़िया को याद आता है कि उसके दोस्त के पास अच्छा घर है, कुछ दिन उसके पास रह लेती हूँ और कुछ दिनों के बाद अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद चिड़िया अपने दोस्त कौवा के पास आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी। हाँ हाँ चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। और कौवा उस चिड़िया को वहाँ से भगा देता है और किसी और के घर में जाकर रहने को कहता है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना चिड़िया? कौवे की इतनी बात सुनकर चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आ जाती है। मेरा घर क्या टूट गया, मेरी मदद करने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता, मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। अगले ही दिन चिड़िया उस जंगल से जा रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, मैं वो तितली हूँ। परी चिड़िया को बहुत सारे मटर के दाने दे देती है। अगले ही दिन चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बो देती है। बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, फिर जैसा परी ने कहा है वैसा हो जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। चिड़िया अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया वापस अपने खेत पर जाती है और देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सच में पौधे आ गए। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था, अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब इन मटर को बेचकर अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस 2-4 दिनों में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे, फिर मैं उन सभी मटर को निकालकर बाजार में बेच जाऊंगी। आ जाती है। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा सा पानी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश आ गई, मैं तो सोच ही रही थी कि पौधों को कल पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। 4 दिन बाद चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आ गई हैं। मेरे पौधे पर अब तो कमाल ही हो गया, अब तो मैं इन्हें जल्दी से टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच कर आऊंगी। चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर बहुत अच्छा सा घर खरीद लेती है।